भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नमस्कार, आपका अभिनंदन शिमला शहर में। अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती है। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। ये भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, इनका जोड़ने से कोई मतलब नहीं। आप कह रहे हैं कि अभी भी परिवार के ही रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। अब स्टीयरिंग कमेटी में तीनों सदस्य हैं, तो मैं इतना तो समझदार हूँ ना कि मैं जानूंगा कि कौन चलाएगा। इंडियन करेंसी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय इकोनॉमी को सुधारने के लिए। जो व्यक्ति राम जन्मभूमि पर वहाँ अस्पताल बनाने की बात कर रहा था, है? वो जाके मत्था टेकने लग गया। कंगना रनौत ने कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसे पहाड़ों की राजधानी भी कहा जाता है और मेरे साथ मौजूद हैं आज साक्षात्कार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, न्यूज 18 पर आपका अभिनंदन है। नमस्कार, आपका अभिनंदन शिमला शहर में और हिमाचल प्रदेश देवभूमि में। नड्डा जी, जब हम आज हिमाचल प्रदेश में हैं तो मैं पिछले दो दिनों से हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं और हर जगह नारा लगा हुआ है कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदल दो। रिवाज तो आपने भी बदल दिया था, आप पहले नॉन लेफ्ट यूनिवर्सिटी के अपने प्रेसिडेंट हुए थे, तो ये आइडिया वहीं से आया रिवाज बदलने का? इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय भी रिवाज बदला गया था और अभी भी हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, यह इस पे हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है अमीश जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तब से यह रिवाज बदलने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और गुजरात में उन्होंने रिवायत बदली, रिवाज बदला और कंटिन्यूसली वो मुख्यमंत्री के रूप में चले। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने जी, और भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उस समय एनडीए की सीट्स 282 थी, और जब दूसरी बार बने तो वो 300 प्लस सीट्स के रूप में एनडीए विराजमान हुई। यानी एंटी इनकम्बेंसी के बजाय एक नया शब्द का जन्म हुआ, वो है प्रो इनकम्बेंसी। तो अब वो प्रो इनकम्बेंसी में रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच के जाते हैं, संवाद करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां एक के बाद एक रिवाज बदल रहा है। असम में हमने पहली बार सरकार बनाई, रिवाज बदला, दूसरी बार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमने 38 साल बाद किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में जब से प्रदेश बना तब से पहली बार अदल बदल हो जाता था वहां, लेकिन वो नहीं हुआ। गोवा में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल रहे हैं। मैंने आपका इंटरव्यू किया था उत्तर प्रदेश, जब 5 राज्यों का चुनाव था तब आपका इंटरव्यू किया था, तब आपने बोला था कि हम धमाके के साथ अपने हर एक राज्य में वापसी करेंगे और वो आपने करी भी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, कहें तो गंगा से पानी बड़ा बह गया है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है, कांग्रेस का अध्यक्ष भी नॉन गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी? कोई कठिनाई नहीं है, हिमाचल और गुजरात कोई कठिनाई है, पानी बहुत बहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली है, वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टीयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहां बदला नहीं है, वहां वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। लेकिन चलिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कांग्रेस पर बाद में आऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वैसे तो अपना हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन क्या ये लड़ाई अलग है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती हैं और इस बार कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है, आपके लिए दिक्कत भरी बात है ये? जहां तक आपने ओपीएस के बारे में कहा है, हमारे लोगों ने उस पर अपना मंतव्य बताया है, लेकिन हम
विकास के नाम पर मोदी जी ने जो यहाँ आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के प्रति जो अटूट विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो एक प्यार है जी, और जिसको जयराम जी ने जमीन पर उतारा है, हम उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। लेकिन लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वादा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल पा रही, क्योंकि हिमाचल में जीत का अंतर या हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता? नहीं, वो ठीक है, तो फैन सीटर वोटर है वो जा सकता है उस तरफ। ऐसा जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, वो कुछ भी कहे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जो भी कहें उनको मालूम है उन्होंने कुछ देना नहीं लेना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है तो सोच समझ के कहती है और उसके गहराइयों में जाकर के कहती है जी। और इस मुद्दे पर भी यही कहा है कि समिति जो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल में नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है खराब बात है? ऐसा ये उनका उनके सोच का विषय है, वो सारे आ जाएं हमें कोई आप पार्टी अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष है, क्या लगता है आपको आपके लिए बढ़िया है ये कि मेरे हमारे लिए मैंने कहा है वो सब मिलके आ जाएं, हमें कोई आ नहीं रहा ना कोई, वो उनका विषय है, वो तय करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उनको नतीजे पहले से ही मालूम है तो वो बचना चाहते होंगे। इस बार जो बागी है वो क्या बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं? मैंने एक कई पॉलिटिकल पंडितों से बात करी, उसके बाद एक आंकलन भी हमने देखा, उसमें माना जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, और ये जो बागी है ये भारतीय जनता पार्टी की घर कई है। नहीं, देखिए लोगों में आकांक्षा हो जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं जी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आ जाता है उसके बाद कोई भी हमारा खेल नहीं बिगाड़ पाता। फिर सारी पार्टी काडर सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं, और हिमाचल की जनता भी जानती है कि बागियों के द्वारा न प्रदेश चलता है न देश चलता पर है। बागी माने क्यों नहीं, क्या कई परिस्थितियां आ जाती हैं अमीश जी, जिसमें कई बार लोग पहले नहीं मानते हैं बाद में मानते हैं, कई बार लोगों को प्रयास होता है कि वो खड़े ही रहें, इस तरीके के भी कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं, तो होता है ये परिवार में सभी लोग एक साथ मिल जाए इतना नहीं होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी। अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा किसके सर? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर। और हारती है तो हम सब लोग मिलकर के, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है, हारने का सवाल ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। प्रेम कुमार धूमल जी पहले एक्टिव थे, अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसका खामियाजा क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव थे, उतने ही एक्टिव हैं, लेकिन हाँ देखिए समय के साथ साथ कुछ मर्यादाएं होती हैं जिस कारण से वो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कद्दावर नेता हैं और जरूरी नहीं है कि भाषण दे करके और घूम करके ही होता है, वो उनका वक्तव्य ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो पूरी तरीके से चुनाव में हमारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि चुनाव हम लड़ेंगे और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे, अगर सीटें कम ज्यादा होती हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है उसमें? ये अगर का सवाल ही नहीं आता अमीश जी, आपने उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, हम वैसे सोचते ही नहीं है, तो आप देखेंगे 12 तारीख तक एक तरफा हो जाएगा सारा कुछ। कांग्रेस तो कहती है कि जहां इनके नंबर नहीं आते वहां भी सरकार बना लेते हैं, कांग्रेस का तो ये भी आरोप होता है कि आप इलेक्शन को मैनेज इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपनी विधायक इधर से उधर करवा लेते हैं। ऐसा है कि देखिए राजनीति में लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ना चाहें तो इसमें हमारा दोष क्या है, और हम जोड़ना चाहते हैं। ये चुनाव बड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीरभद्र सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है, धूमल साहब एक्टिव रहते थे वो उतने एक्टिव नहीं है, ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है, क्या आपको लगता है? क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी, हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दे दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमीश जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ कि उन पर टिप्पणी क्या करूँ जी। देखिए चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूँगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, तीन जेल में है बाकी बेल पर है। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो
कहा उसके विपरीत किया, मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया तो उनको। अब दूसरी बात, वो चुनाव लड़ने गए, पहले खुद लड़ने गए थे वाराणसी में, हाल क्या हुआ आपको पता चला, फिर वो चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों में चुनाव लड़े, 349 सीटों में, 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली, 69 सीट्स में वो चुनाव लड़े उत्तराखंड में, उसमें से 65 में जमानत जब्त करा ली। तो सीएम कैंडिडेट ही आपकी पार्टी में शामिल हो गए? हाँ, उनके तो अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट ही हमारे लिए आजकल प्रचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी में आ गए। गोवा में गया तो मैं पहले भी सबको बता रहा था, आपको भी मैं बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, इतने बैनर पोस्टर लगे थे, इतने बैनर पोस्टर लगे थे कि मैंने कहा यार ये पार्टी तो कितनी सीटों पर लड़ रही है, बोले 40 या 49 पर लड़ रही है। मैंने कहा हाल क्या होगा, कहने लगे आगे आगे देखिए होता है क्या, ये बैनर बेस्ड पार्टी रह गई, हम कैडर बेस्ड पार्टी निकले है, जमानत जब्त हो गई 35 सीटों पर, उनकी जमानत जब्त हो गई। बोले आदमपुर में हमारी एंट्री होगी, हमारी शुरुआत होगी और हम ये करेंगे और वो करेंगे, सारी बातें उन्होंने कही, बहुत बड़े दावे किए, 1% से कुछ ज़्यादा वोट उनको मिले, जमानत जब्त हो गई है। अभी यहाँ हिमाचल में आए पीछे, आप कह रहे जमानत जब्त होगी हिमाचल में, सभी सीटों पर, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 67 सीट पर लड़ रहे हैं, 67 सीट पर जमानत जब्त होगी। लेकिन वो तो हिमाचल में पीछे सरकार बनाने, आए पीछे और भागे, पहले क्रीज छोड़ के भागे। क्रिकेट का मैच देख लेते हैं, देख पाए वर्ल्ड कप का कोई मैच देख पाए आप? कभी कभी देख लेता हूं, कभी कभार देख लेते हैं। तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है तो वाकई देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन अब बाय इलेक्शन पर आते हैं, बाय इलेक्शन में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है? हम तो आश्वस्त थे ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट के का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन एनीवे वी रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स जो आया है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब ये बाय इलेक्शन हो रहे थे तो वातावरण क्या बनाया हुआ था, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, हमेशा चर्चा करते हो। और अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, अमीश जी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे समझने वाला विषय है, इंडिकेटर है, कौन सा महागठबंधन का महागठबंधन बिहार में हमारे को हराने के लिए नहीं आया और उसके बावजूद भी हम जीते हैं, तो यह बताता है कि बिहार में आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो ये हमेशा जब भी चुनाव आता है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मीडिया ने मेरे से कितने प्रश्न पूछे थे, आपने उत्तराखंड को, आपने मतलब मीडिया ने उत्तराखंड को प्रैक्टिकली कांग्रेस को दे ही दिया था, गोवा में हमारे बारे में सवाल ही कर रहे थे कि यह तो आपकी हालत खराब होगी, हम चुनाव जीत करके आए, हिमाचल में भी वही होने वाला है और गुजरात को तो कोई छू भी नहीं पाता, वहां तो आप कह रहे गुजरात को कोई छू नहीं पाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार मैं छू भी पाऊंगा और इस बार मैं मुख्यमंत्री भी बनवा ले जाऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, सोचने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन सच्चाई धरती की तो मैंने आपको बता दी, जमानतों से तो बाहर, जमानत तो जब्त कराते रहते। कितनी बड़ी चुनौती आपको गुजरात में लगती है? हमको कभी चुनौती नहीं दिखती है, मोदी जी के नेतृत्व में जनता स्पष्ट है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रदेश एक पर एक आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जमीन पर धरती पर परिवर्तन लाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अगर स्पष्टता इतनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लास्ट मोमेंट पे क्यों गुजरात में आया? सरकार आपकी है 27 साल से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप चुनाव से एन पहले लेके आ रहे हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आपने, क्योंकि मैनिफेस्टो आया बीजेपी का उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज की सर्वे की आप बात कर रहे हो, कि ये कांग्रेस कहती है ये सब कुछ पोलराइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलती है। देखिए, न उन्होंने ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन किया जी, न ढंग से उन्होंने राजनीति की, उनको कोई चीज़ समझ में तो आती नहीं है, हर चीज़ को वो वोट बैंक की ही राजनीति से देखते रहे, हम कभी नहीं देखते हैं। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबके साथ न्याय होगा और सबके साथ, किसी के साथ भी अपीजमेंट नहीं होगी, इस बात को हम लेकर के चलते हैं। हाँ, जब मैनिफेस्टो, जब हम आगे क्या करने वाले बताने का समय आएगा तभी हम बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी ना बताएंगे। कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि ये जो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे की बात करी है, ये कहीं ना कहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी काट है। ऐसा है, देखिए फिर हिमाचल में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब लोग वोट की ही दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, हम देश और प्रदेश के विकास के दृष्टि से और वो सुचारू रूप से चले इस दृष्टि से देखते हैं। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गुजरात में 2002 से लगातार विधायकों के टिकट काटे गए हैं, इस बार भी अमित शाह ने बोला है कि 25% नए चेहरों को टिकट देगी बीजेपी,
ये क्या बताता है? और आपने पीछे पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था गुजरात का। देखिए मैं आपको सब बताऊं, ये जीवंत पार्टी है, ये हर दिन हर पल नए ढंग से सोचने की तरीके से काम करती है जी। और ये रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और पार्टी है, तो ऐसी पार्टी में नए लोगों को चांस देना ये हमारा उद्देश्य होता है। ये मतलब आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति है जिसमें आप नए चेहरे? रणनीति चुनाव लड़ने की नहीं है, ये पार्टी को चलाने की रणनीति है। हमने देखिए महिषी, लोगों को इसको ध्यान में नहीं रखते, 45 साल से ऊपर का कोई आदमी जिला अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। 30 साल से ऊपर का कोई हमने युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है, संविधान में कहां लिखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं रखा है। तो उसी तरीके से ये क्या प्लानिंग थी जिसमें आपने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात के अंदर? गुजरात में हमारा इतने सालों से काम है, सबसे पुराना काम है, और वहाँ पर लोगों को साथ लेकर के उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है। वहाँ एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी करके देखा है, पिछली बार हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के चुनाव में पुरानों को किसी को भी टिकट नहीं दिया, ये एक्सपेरिमेंट किया ना हमने, उसका फायदा हुआ दिल्ली के। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आपको लगता है गुजरात में इसका फायदा मिलेगा आप लोगों? निश्चित रूप से, जो भी सोचेंगे। देखिए पार्टी नए ढंग से आगे तो चलेगी ना। लेकिन आपका आइडिया लेके कांग्रेस ने भी चन्नी साहब को पंजाब में बना दिया और देखिए क्या हाल हुआ। ऐसा है ना, अब कांग्रेस पार्टी देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, तो वो अगर हमारी नकल करके चलेंगे तो उनको मुबारक, मैं उसमें क्या कहूंगा। जयराम रमेश कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी का वोट शेयर पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, इस आरोप का आप क्या जवाब देते हैं? देखिए हम अरविंद केजरीवाल, एक तरफ आप बोलते हो वो कि वो उसने आपको टक्कर यहाँ दी, वो दी दिल्ली में दी और इस तरीके से टक्कर दी, और जहाँ वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं वहाँ उनको हमारी बी टीम बना रहे हो। देखो दोनों तरफ से हमको आप मत कहिए, ये उनको सोचने का विषय है कि उनको वो नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं, ये उनके सोचने का विषय है, वो सोचे। क्योंकि देखिए इस समय हम शिमला में हैं, यहाँ तो मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन देश की राजनीति का मौसम अब गर्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति का मौसम को गर्म कर दिया है, वो गुजरात में तो टाल ठोक रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है जिस तरह से गुजरात में अग्रेसिव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो कब एग्रेसिव नहीं हुए और कब उन्होंने कौन सी बात झूठी बात को बहुत भोले अंदाज में नहीं कहा? वो कहते हैं झूठ मेरे ऊपर ठारा थोपा जाता है, वो कहते हैं शराब कांड झूठ है, वो कहते हैं कि बीजेपी र्यूमर मॉन्गरिंग कर रही है, अफवाहें उड़ा रही है उनके बारे में लगातार। अगर इस तरह की बातचीत है तो जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते? 2% का कमीशन को 12% का कमीशन का जवाब क्या है? उसमें से 6% के किकबैक पर जवाब क्या है? स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं, सारी चीजें सामने भी आई हैं, उनका तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। और शिक्षा के नाम पर चर्चा करने वाले लोग शराब के घोटाले में इतने घटिया काम में लगे रहे और इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे रहे, इसको अगर हम सामने रखते हैं तो इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक जी एक्साइज पॉलिसी में चेंज के बारे में वक्तव्य क्यों नहीं दिया? वो कहते दुनिया सबसे बढ़िया और जी जी जो हमने चार्ज लगाया उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया कि नहीं लिया? तो ये पर वो कहते दुनिया की सबसे बड़ी एक्साइज पॉलिसी थी, वही र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी बीजेपी ने। भैया तो आपने जवाब क्यों, मैं र्यूमर मॉन्गरिंग मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो ना, 2 से 12% क्यों किया तुमने, इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे दिल्ली में शराब कांड बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड है, और ये कांड ही नहीं है, ये एक तरीके से माफियाओं का संरक्षण है और वहां की माताएं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको समझने की जरूरत है और हम जनता को बताने वाले हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का भी ऐलान हो गया है, हालांकि गुजरात चुनावों के बिल्कुल साथ ही ये चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है ये पहले से ड्यू थे लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके ये सब कुछ कराया गया है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए जब गुजरात का चुनाव लेट डिक्लेयर हुआ, हालांकि पिछली बार भी लेट ही डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उन्होंने ट्वीट करा गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो बुरा ना सुनो बुरा ना कहो। ऐसा है ना, जो स्पोर्ट्समैन फिसड्डी होता है वो हमेशा अंपायर को दोषी ठहराता है, ये इनका तरीका है। चुनाव टलते हैं तो हम दोषी, चुनाव कराते हैं तो हम दोषी, ऐसा मत करो भैया मेरे साथ। ये इलेक्शन कमीशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने तरीके से चीज़ों को तय करती है, तो उसने तय किया। अब बड़ा आपको बहुत आपको लगी हुई थी कि एमसीडी का चुनाव हो रहा है तो बोलते हो कि ये मैनेज अफेयर है, व्हाट इज दिस। अच्छा एक एक बात है कि आपने फिसड्डी बोला कि कांग्रेस पार्टी और
अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ये फिसड्डी है, इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं, जो अंपायर है उसके ऊपर एक 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 पॉइंट है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, हम हिमाचल में हैं, बगल का राज्य जो है वो पंजाब है, पंजाब में वो एक क्रूसेडर की तरह आए, 90 सीटें जीती, सरकार बना ली। दिल्ली में वो एक क्रूसेडर की तरह आए, सरकार बना ली। क्या आपको लगता नहीं है दिस इज द वरी फॉर यू एज अ पार्टी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वरी इज दिस दैट ही इज नॉट आंसर्ड व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पंजाब एंड अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अब राहुल गांधी की बात करनी जरूरी होती है। राहुल गांधी को आप सीरियस लीडर नहीं मानते थे, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में ये बदलाव जो है ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों के लिए चिंता की बात हो सकता है? देखिए स्पेशली कर्नाटक, देखिए वो उनकी पार्टी है और वो खुद नेता है, वो कोई एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो खुशी हुई कि चलो घर से बाहर निकले, ट्विटर से बाहर निकले, फेसबुक से बाहर निकले, धरती के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करते जी, हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखिए पॉलिटिक्स में अ लीडर इज नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स, और वही कंटेंट उसके उसके इंटेंट को बता देता है, वही कंटेंट उसके इंटेंट को बताता है। अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ये नारे जेएनयू में लगते हैं। और अफजल गुरु कौन है? अफजल गुरु वो है जो मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट के अटैक का, उसको फांसी की सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है, उसको अपहेल्ड किसने रखा? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति कातिल हैं। राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू जाते हैं और इनके साथ खड़े हो जाते हैं और इनके साथ चलते हैं और वहाँ नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोग भारत जोड़ने चले हैं, इसका जवाब दे सकता है कोई? वो कहते हैं कि नफरत बीजेपी फैला रही है। ये क्या नफरत है? ये 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 वो ये कहते कि मेरी मेरी जो यात्रा है ये बीजेपी की नफरत। ये बात छोड़ दीजिए, पहले हमारे को ये बताइए उस दिन का इंटेंट क्या था और तुम्हारा कंटेंट क्या था। या तो तुम देश से माफी मांगो कि हमसे गलती हुई, That was my blunder। और वही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ हैं इस समय। हाँ, तो इसी कांग्रेस नेता हो गए। हाँ, कांग्रेस नेता ऐसे ही लोग होंगे, ये सब तोड़ों में ही लगे हुए हैं। अच्छा दूसरी बात, लेकिन वो बात और उनका ये वो प्रायश्चित यात्रा पे भी निकले। प्रायश्चित यात्रा कैसे? आर्टिकल 370 किसने खड़ा किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया था। उसको एब्रोगेट किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो देश को कमजोर किसने किया था उस समय? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आप उनके प्रायश्चित पर निकले हुए हैं। यही सोनिया गांधी जी बाटला हाउस पर उस सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नहीं कि उनको नींद नहीं आई, वो रात भर रोती रही। किसके लिए रोती रही? टेररिस्टों के लिए? जवाब देंगे कोई? कोई बोलेंगे? और वो उनको बाटला हाउस के इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए उनको कोर्ट ने सजा दी कि नहीं दी? तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप खड़े होंगे और भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे तो हम भी जीवंत पॉलिटिकल पार्टी है, जनता को बताएंगे कि ये भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, इनका जोड़ने से कोई मतलब नहीं। इंडियन करेंसी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय इकोनॉमी को सुधारने के लिए। जो व्यक्ति राम जन्मभूमि पर वहाँ अस्पताल बनाने की बात कर रहा था है? वो जाके मत्था टेकने लग गया। कंगना रनौत ने कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। यूपी के इटावा में अवैध शराब की बिक्री की वजह से दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। घर में बेची जा रही थी शराब, कार्रवाई के दौरान शराब जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में बीती रात शादी समारोह में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार की मोतिहारी में दो भाइयों के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस को लोगों ने बंधक बनाया। दोनों भाइयों को थाने ले जाने की कोशिश पर गांव वालों ने विरोध जताया। बिहार के खगड़िया में एक मेले में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो में दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे और थप्पड़ चलाते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से कुछ देर तक मेले में अफरा तफरी का माहौल दिखा। पूर्वी चंपारण में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से उतारा। करीब 5 घंटे तक हंगामा होता रहा। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर महिला पुलिसकर्मी ने यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा यात्री। यूपी के कानपुर में भीषण आग से हड़कंप मचा। पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया की मसाला फैक्ट्री में लगी आग।
उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस पर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। बस पर मौजूद यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। झारखंड के रांची में कबाड़ की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लड़के का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी ने पहले एक लड़के के साथ जमकर मारपीट की, उसके बाद बीच सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। संवैधानिक पीठ ने 10% आरक्षण के केंद्र के फैसले को सही बताया। 5 में से 3 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। हादसे पर दुख जताया है। राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया। गंगा किनारे नमो घाट पर देखा लेजर शो। आज लाखों दीयों से रोशन होंगे गंगा के किनारे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा हिमाचल और गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर लिखी चिट्ठी। करोड़ों की वसूली मामले में की सीबीआई जांच की मांग। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शादी ईदगाह मस्जिद मामले पर सुनवाई आज। ट्रांसफर एप्लीकेशन और स्पेशल कोर्ट नियुक्त करने पर होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजल अंसारी की कोर्ट में पेशी। 21 साल पहले प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में की जा रही है ये कार्रवाई। अफजल समेत 9 लोगों पर केस दर्ज है। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा था नोटिस। केरल में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। कई महिलाओं ने ईरान में हिजाब विरोधी अभियान के समर्थन में प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जताई आपत्ति। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। ज्यादातर इलाके एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 326 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में हो रही है जलन। जहरीली हवा में सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सांसद मनोज तिवारी ने लोगों में बांटा मास्क। कहा गैस चैंबर से बचाने के लिए लोगों को कर रहा हूं जागरूक। बिहार के कटिहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद लोगों का हंगामा। गुस्साई भीड़ ने थाने में जमकर की तोड़फोड़। दिल्ली के मेहरोली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 1 बदमाश फरार। कोलकाता एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आतंकी संगठन अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम मुनीरुद्दीन खान बताया जा रहा है, जिस पर आतंकी संगठन में लोगों की भर्ती करवाने का आरोप है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के 2 आरोपियों की जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई है। इलाके में शांति भंग करने का आरोप। कुल 4 लोग गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जीएसटी विभाग और आयकर विभाग की टीम ने गारमेंट फैक्ट्री के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। टैक्स चोरी का आरोप। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन जारी है। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पनीर के 3 प्लांट पर छापा मारा गया और मौके पर मौजूद 1000 लीटर दूध को नष्ट किया गया। पुणे में नकली इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी में छापेमार कार्रवाई हुई है। ज्यादातर दूध देने के लिए दिया जाता है इंजेक्शन। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चोरी के आरोप में एक लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की का वीडियो वायरल करने के शक में एक लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में एक व्यापारी के घर से 10 करोड़ की चोरी की गई है। व्यापारी के 4 नौकरों पर चोरी का आरोप है। वारदात में शामिल कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। असम की राजधानी गुवाहाटी में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो के जरिए चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान की बाना में अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप। बेटे के इलाज के लिए बेटी की बलि देने का आरोप। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले का उद्घाटन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकारों ने बांधा समा। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों में भीषण टक्कर हुई है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यूपी के हाथरस में बीच सड़क पर दौड़ती रोडवेज की बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान।
मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल और बस की आमने सामने की जोरदार टक्कर के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बिहार के छपरा में अनाज गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में 3 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के इलाकों में फैलती चली गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के बाड़मेर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। अखबार पढ़ते पढ़ते वो अचानक बेंच से नीचे गिर गया। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन आदमी की जान नहीं बचाई जा सकी। बिहार के गोपालगंज में एक आदमी को हार्ट अटैक आने का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सब्जी से भरे बैग को देखकर जैसे ही लौटा वो आदमी गिर पड़ा। करगिल में भीषण बर्फबारी जारी है, कश्मीर में भी हो रही है बर्फबारी। भारी बर्फबारी से लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद किया गया। अमेरिका में आए बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 10 लोग जख्मी हुए हैं। बवंडर ने लोगों के घरों को भी उजाड़ दिया है। इराकी राजधानी बगदाद में एक इमारत में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोग आग में झुलसे, इमारत को भी पहुंचा भारी नुकसान। आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धमाकेदार इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 इंडिया को। ऐसे में कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया, कहा हिमाचल में रिवाज बदलेंगे और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने यहां पर कांग्रेस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमान परिवार के हाथ में, वहीं केजरीवाल के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात उठाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कांग्रेस पे बड़ा आरोप बार बार लगता था कि परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, अध्यक्ष हमेशा गांधी परिवार से होते हैं, लेकिन ये चलन बदल दिया। इसकी बात हमने शुरुआत में भी करी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है, इससे कांग्रेस ने अपना चाल और चरित्र बदला है थोड़ा? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे तो उनकी इंटरनल पार्टी का मामला है। खड़गे जी हमारे मित्र हैं। मैं कहते हैं बीजेपी में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। जी, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको बधाई भी देता हूं। चलो, हमारे इतनी परिवारवाद बोलने के बाद कम से कम चेहरा तो बदला, परिवार से बाहर तो निकला, लेकिन उनका सिलेक्शन किसने किया? अमित जी आप जानते हैं, परिवार ने किया। उनका सिलेक्शन परिवार करता है। आप कह रहे हैं कि अभी भी परिवार के ही रिमोट कंट्रोल से चलेंगे? अब स्टीयरिंग कमेटी में 3 सदस्य हैं, तो मैं इतना तो समझदार हूं ही ना कि मैं जानूंगा कि कौन चलाएगा। ये पूरे विपक्ष का मानना है। असाउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ अकलियतों को यानी मुसलमानों को पीछे छोड़ के आप चलते हैं, आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। कभी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का प्रयास है। और मैं आपसे बताऊं, आप बताइए प्रधानमंत्री, नहीं इस पर शक हो जाता है जब आप वक्फ की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, मतलब नहीं, बीजेपी वक्फ को बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी के सर्वे की बात करें, यूपी में मदरसों के सर्वे की बात नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जी सारी चीजें किसी एक विशेष प्रयोजन के साथ होती है। अब मदरसों का चेकिंग होती है या मदरसों में हम सर्वे कराते हैं या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की सर्वे कराते हैं, तो हॉस्पिटल्स की भी तो कराते हैं, स्कूल्स की भी तो कराते हैं, सबकी कराते हैं, तो इनकी कराने में आपत्ति क्या होती है? दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? माइनॉरिटीज है। देखिए, भारत अगर अति गरीबी की रेखा से, फिर सवाल पलट के आता है कि निकल गुजरात में कितने मुसलमानों को बीजेपी टिकट देगी? ये इसलिए आते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं ना, तो जब आप वोट नहीं देते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? जहां हमको वोट मिलते हैं हम देते हैं। हमको एमसीडी के चुनाव में मिलता है, हम वहां टिकट देते हैं उनको। हमको कॉरपोरेशन के चुनाव में मुस्लिम लोगों का छोटे सेक्शन में मिलता है, हम वहां पर वोट देते हैं। एक सवाल, क्योंकि ऋषि सुनक हाल ही में भारतीय मूल के हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इंडिया में एक डिबेट शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा, हिजावर प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा। ओवैसी साहब ने भी ये बात बोली, शशि थरूर ने तो बीजेपी से आपसे ही सवाल पूछ दिया, उन्होंने बोला कि क्या एक क्रिश्चियन या फिर किसी मुस्लिम को बीजेपी पीएम को एज अ पीएम स्वीकार करेगी? देखिए, इलेक्शन में व्यक्ति लोगों के जनमत से जीत करके आता है, वो किसी हमारे कहे अनुसार नहीं जीत करके आता। हम कैंडिडेटचर नहीं देते हैं, जनता जिसको कबूल करती है उसको हम पार्टी में कैंडिडेटचर के रूप में देते हैं। जहां तक हमारे को नॉमिनेशंस का सवाल मिलता है, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था, आप बताएं? अटल जी ने। तो फिर जब हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नजरिया कुछ अलग है।
जी राजस्थान पर मैं आता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठतम कहा अशोक गहलोत जी को, थोड़ी तारीफ करी, तो सचिन पायलट थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि इसकी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, पहले गुलाम नबी आज़ाद की भी तारीफ करी थी। कुछ कांग्रेस नेता ने बोला, कांग्रेस नेताओं ने बोला कि बीजेपी फूट डलवाना चाहती है, मोदी जी फूट डलवाना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। एक वो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, गहलोत साहब भी उनके काउंटर पार्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। एक कलीगशिप होती है, उस कलीगशिप में उन्होंने कहा ये सीनियर हैं काफी लंबे समय से, जो सामान्य है। अगर आपके घर में फूट हो और आपको इससे तकलीफ होती हो तो आप अपनी लड़ाई लड़ो ना, वो मोदी जी पर क्यों आरोपित करते हैं। आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी तो चुनाव से एन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख डाली और कहा कि इंडियन करेंसी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय इकोनॉमी को सुधारने के लिए। आप बार बार उनकी क्रेडिबिलिटी को जानने के बाद मेरे से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। पर क्या फंस गई है इस, जो डिमांड रख दी है जो व्यक्ति जी राम जन्मभूमि पर वहां अस्पताल बनाने की बात कर रहा था है, वो जाके मत्था टेकने लग गया है। जो व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में एक प्रश्न खड़ा करता था, आजकल वो बड़े भक्त बन गए। बहुत लोग हैं आजकल मंदिरों में जाते हैं, फोटो ऑप कराते हैं, चंदन लगाते हैं। प्रश्न इनके बारे में खड़ा होता है, मेरे बारे में क्यों नहीं खड़ा होता अगर मैं मंदिर जाता हूँ? क्योंकि आज से नहीं जा रहा हूँ, बचपन से जा रहा हूँ। इनके ये हर चीज पॉलिटिक्स के निगाह से देखते हैं। इनको करेंसी पर डिमांड को आप कैसे देखते हैं? इनको करेंसी में गणेश और लक्ष्मी महत्वपूर्ण नहीं है जी, इनको हिंदू वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वो कर रहे हैं। इसलिए हम तो सीरियसली लेते ही नहीं इनको। अच्छा इसके अलावा क्योंकि बात हो रही है इंडियन करेंसी की, खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष सवाल बार बार उठा रहता है उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, एक मुद्दा रहेगा? महंगाई है भी थोड़ी। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूं जी कि जो विपक्ष इन सारी चीजों की बात करता है ये न महंगाई की गहराई को जानता है न बेरोजगारी की गहराई को जानता जी है। ये लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने का काम हमेशा पकड़ते हैं। ये सब पकड़ लो बेरोजगारी, ये सब पकड़ लो महंगाई और बोलते चले जाओ, जो मर्जी में आए वो बोलते चले जाओ। इनका हमेशा ये कहना होता है दे वी विल प्रोवाइड सो मेनी जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। हैव दे एवर प्रोवाइडेड? नंबर वन। नंबर टू, डू दे हैव द कॉन्सेप्ट दैट हाउ इट विल बी डन? भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो हम कहते हैं जॉब के अपॉर्चुनिटीज देंगे, इसका मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्केल अप करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, भारत इन सब चीजों के बावजूद भी ब्रिटेन को पछाड़ करके पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ चले कि नहीं बढ़ चले? तो अगर जॉब्स नहीं मिल रही होंगी तो ये इकॉनमी कहां से ग्रो कर रही है? अमित जी अब थोड़ा जी, जी, बिल्कुल 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 अब इसको इकॉनमी की बात करें जी। ये बेरोजगारी इनका इकोनॉमिक स्लोगन है, इनको कोई बेरोजगारी से लेना देना नहीं है और मोदी जी सीरियसली इसको एड्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये अर्थव्यवस्था बगैर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए नहीं होता है, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपने महंगाई की बात की, मुझे एक कांग्रेस का सरकार दिखा दीजिए जिसने पेट्रोल और डीजल पर कोई कमी की हो, टैक्स में कमी की हो, कोई बता दीजिए। ये आज श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, बीजेपी ने किया कि नहीं किया? केंद्र सरकार ने किया नहीं किया? इंडिया हैज बिकम नंबर 2 मैन्युफैक्चरर इन मोबाइल्स, इंडिया हैज बिकम नंबर 2 इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इंडिया इज नंबर 5 इन सोलर एनर्जी। अगर इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% से को क्रॉस कर रहा है तो ये क्या बता रहा है कि कोरोना की मार के बावजूद भी 130 करोड़ का देश मोदी जी के सफल नेतृत्व के कारण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस तो आते ही हैं, पिछले 3 सालों में कितने चैलेंजेस आए, नहीं मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे दुख है, मुझे दुख है, मुझे एक चैलेंजिंग दौर रहा मोदी 2.0 में शुरुआत से ही चैलेंजेस रहे और सभी चैलेंज को मीट करके आए। लेकिन आज और आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इलेक्शन हो रहा है जी, कोई मास्क नहीं पहन रहा है जी, 219 करोड़
डबल डोज प्लस बूस्टर लगा करके लोग बैठे हैं। मोदी जी ने 130 करोड़ की देश को बचाया, आज उसको हेल्दी बना करके खड़ा किया। अच्छा एक सवाल, क्योंकि गुजरात के संदर्भ में बात हो रही थी, तो केजरीवाल एक आईबी रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी 92 से 93 सीटें आ रही हैं, हमने एक सर्वे करा लिया है, हम बीजेपी से ऊपर आ रहे हैं, हम ही फाइट में हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? भैया मैंने कहा ना कि जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है उसको किस बात को मैं सीरियसली लूँ। शराब कांड पर बोलते नहीं हो, पानी माफिया पर बोलते नहीं हो, राजनीतिक दृष्टि से जो क्रिमिनल्स को तुमने संरक्षण दे रखा है, जो जेल में बैठे हुए हैं, उस पर तुम कुछ बोलते नहीं हो। वो कह रहे हैं उन्हें सबको फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई। भैया तो कोर्ट में जाओ भाई, भाई साहब कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में सबकी व्यवस्था है। व्हाई डिडंट यू टेक रिफ्यूज इन कोर्ट? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात हो रही थी तो चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा इस समय जो मुझे लगता है, आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, वो है वहाँ का वातावरण, वहाँ का पोल्यूशन, वो इतना ज्यादा है कि अब इस समय तो हम शिमला में बैठे हुए हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हालांकि ठंड बहुत है। आप तो क्योंकि हिमाचल के हैं, आपको तो आदत होगी, मुझे तो इस समय ठंड बहुत लग रही है। लेकिन पॉइंट जो सर इस समय सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली में पोल्यूशन 450 टच कर रहा है। आप पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे बच्चे सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बूढ़े लोग अपने घरों में बंद हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, ये दयनीय स्थिति है। मतलब इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। चिंताजनक विषय है। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ आम आदमी पार्टी? नंबर वन, पंजाब में इस साल शायद 18 या 19% ज्यादा पराली जली है। कौन है पंजाब में? नंबर वन। नंबर टू, एक साल या डेढ़ साल पहले उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा केमिकल लेके आ रहा हूं, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ले आया हूं। हाँ, ले आया हूं, और वो सारे का सारा पराली को की व्यवस्था कर देगा, कोई जलाने की जरूरत नहीं होगी। 2 लाख रुपए लगे थे वो केमिकल बनाने में, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, 24 करोड़ में का एडवर्टीजमेंट किया, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए। आज क्या हालत कर दी? दिल्ली किसकी है और पंजाब किसका है? हरियाणा में पराली कम जली, राजस्थान में पराली कम जली, पड़ोसी राज्यों में पराली कम, यूपी में कम जली। तो ये क्या बताता है कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाओ। उन्होंने जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भगवंत मान के साथ, उन्होंने बोला कि अभी हमें 6-7 महीने हुए हैं, हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम अगले साल तक इस समस्या का निदान कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जो केमिकल तो तुम 1.5 साल पहले बना चुके थे, उसका क्या किया बताओ? वो केमिकल खोजा जा रहा है अभी। हाँ, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कोई केमिकल है कहाँ, 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अमित जी, यह लोग गुमराह करते हैं, भोली जनता को गुमराह करते हैं, उनको तकलीफ में डालते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से समाज और देश की सेवा कर रहे हैं वही रास्ता है, इसको हमको समझना है। सीबीआई और ईडी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से सवाल पूछा जाता हूं, अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शरद राव पवार हो, सब आरोप यही लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के हाथों में खेल रही है और हर विरोधी को जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए कोई भी केस हो रहा है तो उसमें आपको बेल लेना पड़ रहा है ना, तो केस के फैक्चुअल चीजों पर ही लेना होगा ना। तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, अगर आपको वो पूछताछ करते हैं तो अगर गलत पूछताछ कर रहे हैं तो कोर्ट में जाइए, तो आप नहीं जाते हैं, आप बेल लेते हैं, वहां से रिलीफ लेते हैं। क्यों लेते हैं रिलीफ? इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज फैक्ट होकर के आती है। आरोप और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये अपने ढंग से काम करती हैं। आरोप ये लगता है, चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो केसीआर हो, कि जिनको आप पॉलिटिकली हरा नहीं पाते उनको ईडी और सीबीआई से मैनेज करते हैं। ऐसा कभी नहीं हम करते, हम पॉलिटिकली सबको हराते हैं, पॉलिटिकली हम लड़ते हैं और पॉलिटिकल रिजल्ट्स आपको बताते हैं। आज के नतीजे भी तो बता ही रहे हैं अमित जी। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, हमने देखा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये क्या महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा आपकी राय में? देखिए सब कुछ आगे चल करके तय होगा, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी थी और उसके बाद शिवसेना एक परिवार की शिवसेना हो गई और एक रियल शिवसेना रह गई। उनके यहाँ इस बात को लेकर के मतभेद हुआ और उसमें से लोग निकल करके आए, वो हमारे साथ मिले, तो ओरिजिनल शिवसेना तो यही है ना जो साथ आई है। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 में साउथ की पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो तेलंगाना हो? देखिए हर चुनाव में हर जगह की पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण होती है, हर के लिए हम काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं थे, हम आज
वहाँ प्रैक्टिकली हर एक प्रदेश में हम सरकार में हैं, तो ये स्थिति हमारी बनी है। साउथ में भी हम चाहते हैं, इस बार हमारी पुडुचेरी में सरकार बन गई है, कर्नाटक में हम हैं ही, हम तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आंध्र में भी अच्छा करेंगे, हम तमिलनाडु में भी अच्छा करेंगे, हम केरल भी पहुंचेंगे। केसीआर कहते हैं कि उनके 20-30 विधायक खरीदने की कोशिश करी आप लोगों ने। देखिए ऐसा है कि जो फिर अगेन जो लोग जनता के दिलों से उतर रहे होते हैं वो इस तरीके के विषयों को उठा करके लाते हैं। आप कह रहे हैं केसीआर जनता के दिलों से उतर रहे हैं? बिल्कुल। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ऐसा है कि 2024 में कंगना रनौत कैंडिडेट हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि कंगना जी हमारे प्रदेश से हैं जी, वो यहाँ से पल बढ़ करके उन्होंने एक अपना स्थान बनाया है, यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है जी। और वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी जब मैं देखता हूँ उनको तो वह हमारे से बहुत नज़दीक दिखती हैं और वह सही को सही गलत को कहने में सक्षम है, इसलिए वो सार्वजनिक जीवन में आए अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का कोई प्री कंडीशनिंग नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू, एनी इंडिविजुअल कैन नॉट रिएक्ट ऑन इट, इवन द प्रेसिडेंट। वी वर्क इन ए साइंटिफिक सिस्टमेटिक मैनर जी, उसमें राय शुमारी होती है, नीचे से आता है, फिर उसके बाद लोगों से चर्चा होती है, स्टेट की इलेक्शन कमेटी बैठेगी, फिर नेशनल इलेक्शन कमेटी बैठती है और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको मोहर लगाती है जी। तो ऐसा विषय जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा, दो राज्यों में जिनमें चुनाव है, आखिरी सवाल है ये, जिन दो राज्यों में चुनाव है ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है, एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को साख अपनी साख मानकर ही लड़ते हैं, ये चुनाव भी हम उसी तरीके से। नंबर अगर आप देना चाहें हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार। गुजरात दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे, एक तरफा सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने न्यूज 18 से बात करी, सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमीश जी।